हाय एवरीवन, वेरी वॉम वेलकम टू लुक गॉर्जियस। यहाँ पर है मेरे पास ये तीन बड़े बड़े बॉक्सेस एंड आज मैं अनबॉक्स करने वाली हूँ जो जो मुझे पीआर पैकेजेस मिले हैं। एंड माइंड यू कि सारे के सारे मेरी अपनी पसंद के हैं एंड मैं आपको हमेशा हमेशा ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी, तो उसकी आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। purple.com का मेकअप हॉल कुछ है मेरे पास, देन आई हैव वाओ का हेयर केयर जो कि बहुत अच्छा है, एंड देन आई हैव VCO का लाइक मेरिट VCO का एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, लाइक VCO इज़ वर्जिन कोकोनट ऑयल, ये मेरिट वाला है एंड दिस इज़ प्योर, दिस इज़ नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल्स और साथ के साथ ये वेगन भी है, तो इट इज़ नाइस। यू कैन ड्रिंक इट एज वेल वेट लॉस के लिए इफ़ यू कैन टॉलरेट द स्मेल ऑफ कोकोनट ऑयल एंड स्पेशली इफ़ यू आर फ्रॉम साउथ इंडिया देन डेफिनेटली यू कैन। वहाँ पर सारा खाना भी कोकोनट ऑयल में कुक किया जाता है एंड बहुत टेस्टी होता है, बट कुछ एक लोगों को लाइक फॉर एग्जाम्पल मी कोकोनट ऑयल का स्मेल जो है ना लाइक खाना खाने में मुझे इतना नहीं चलता है, बट अगर यू कैन लाइक जैसे आप देसी घी ऊपर से खाने में ज़रा सा डाल दें, कोकोनट ऑयल आप ज़रा सा खाने में डाल दें, इट इज़ रियली रियली गुड फॉर योर हेल्थ। गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा, वेट लॉस में हेल्प करेगा। अगर आप पी सकते हैं इसको पानी में मिला करके देन बहुत अच्छा रहता है। स्कार्स को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, आपके प्राइवेट पार्ट पे इन्फेक्शन है तो वहाँ पर आप इसको लगा सकते हैं। आपके हेयर को बहुत अच्छे से नरिश करता है, मॉइस्चराइज करता है एंड स्काल्प की हेयर ऑयलिंग के लिए कौन नहीं यूज़ करता है नारियल का तेल। सो नारियल का तेल बहुत अच्छा होता है और बिल्कुल टेंडर फ्रेश कोकोनट से बना हुआ हो तो वो होता है एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, बिल्कुल प्योर एंड बहुत अच्छी क्वालिटी का फ्रेश वाला, और ये बहुत ही अफोर्डेबल भी है। और आपको पहले छोटा ट्राई करना हो देन यू कैन ट्राई द छोटा वाला एंड वो भी अच्छा खासा है, 100 ml है ये, 120 rupees का, विच इज़ वेरी अफोर्डेबल। देन वी हैव दिस वन, ये वाला है 250 ml 235 rupees का एंड आई टोटली लव द पैकेजिंग एंड हाउ ब्यूटिफुल दिस कोकोनट ऑयल लुक्स, लाइक इट इज़ सो गुड मसाजेस के लिए एंड हेयर में लगाने के लिए। आपका कैरियर ऑयल का काम बहुत अच्छे से करता है, एसेंशियल ऑयल्स को मिक्स करके आपको किसी तरह से यूज़ करना है। आई पर्सनली यूज़ कोकोनट ऑयल अलॉट, मैं अपने सिर में जो ब्लेंड लगाती हूँ लुक गॉर्जियस ऑयल का उसमें मैं डेफिनेटली कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ, सो आई एम गोना यूज़ इट इन फ्यूचर। मैं बहुत टाइम से तलाश कर रही थी एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट ऑयल की, बिकॉज अच्छा होता है बहुत हेयर ग्रोथ के लिए। आपको अगर प्रॉब्लम है ना हेयर में देन इट रियली हेल्प्स डैंड्रफ हटाने के लिए और आपका जो हेयर रीग्रोथ वाला प्रोसेस है, हेयर ग्रोथ वाला, हेयर को लॉन्ग करने वाला प्रोसेस है, देन एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट ऑयल आपकी बहुत हेल्प करता है। सो नाउ वी नो अ न्यू ब्रांड, लाइक ये बहुत पुराना ब्रांड है बट मेरे लिए इट इज़ लिटिल न्यू टू ट्राई आउट। तो ये है यहाँ पर 395 rupees का 500 ml, तो आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर द बिगर बॉटल बिकॉज आई एम श्योर ये अच्छा लगेगा आपको, बिकॉज ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। देन आई हैव दिस वाओ का पैकेज एंड यहाँ पर है मेरे पास, ये मैंने ऑलरेडी यूज़ किए हुए हैं प्रोडक्ट्स, सो बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। इस पर अलग से आपको जिस भी प्रोडक्ट पे वीडियो देखना हो देन लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो, आई वुड लव टू मेक वन वीडियो फॉर यू गाइस। तो ये है वाओ का हेयर कंडीशनर ऑर्गेनिक वर्जन कोकोनट ऑयल प्लस एवोकाडो ऑयल, एवोकाडो ऑयल भी है इसमें और एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट ऑयल, जैसा कि मैंने उसके बेनिफिट्स आपको ऑलरेडी बताए हैं, और एवोकाडो भी बहुत अच्छा होता है हेयर हेल्थ के लिए। ये बहुत ज़्यादा अच्छे से बालों को कंडीशन करता है एंड बालों को बहुत सॉफ्ट बनाता है। खूब आपको मेरे बाल आज अच्छे लग रहे होंगे, कोई हीट ट्रीटमेंट नहीं किया है, कोई स्टाइल नहीं करी है, मेरे बालों को क्वालिटी दिन पर दिन अच्छा होता जा रहा है एंड आजकल मैं ये लगा रही हूँ तो इससे बहुत सॉफ्ट हो रहे हैं। मैंने अभी 2-3 बार लगाया है एंड ये सीरियसली बहुत अच्छा है, और ये वाला बिल्कुल फुल पैक्ड है, दूसरा है मेरे पास है यूज करने के लिए, ये मत सोचना कि ऐसे ही झूठ बोल रही है तो पैक्ड दिख रहा है, आई हैव अनदर वन। यहाँ पर है मेरे पास ये एप्पल साइडर विनेगर शैम्पू वाओ का, जो कि DHT ब्लॉकर्स वाला है, पाराबेन नहीं है, सल्फेट नहीं है, सिलिकन्स नहीं है, सॉल्ट नहीं है, 100% नेचुरल एप्पल साइडर विनेगर इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि प्रोडक्ट बिल्डअप नहीं होता बालों में और हमारे जो भी शैम्पू कंडीशनर्स वगैरह है वो अच्छे से काम करते हैं, जैसा कि मैंने अपने एप्पल साइडर विनेगर वीडियो में भी बताया है। और इसके अंदर DHT ब्लॉकर है, तो DHT क्या होता है, पूरा एग्जैक्ट मेरे को साइंटिफिक उसमें इतना नहीं आता, बट इट इज़ टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन, जो कि गर्ल्स में भी थोड़ी मात्रा में होता है, बट अगर ज़्यादा मात्रा में होगा तो उसको एलोपेशिया हो जाएगा, बहुत एक्सट्रीम हेयर लॉस होएगा, स्काल्प बाल्डनेस होएगी एंड यू गाइज नो मेरे हेयर का जो अंदर का कंडीशन है, हाँ ये इस टाइम हेयर स्टाइलिंग की वजह से छुपा हुआ है, बट ऐसी सिचुएशन में
या तो आपको बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक और नेचुरल वाले अच्छे शैम्पूज यूज़ करने होते हैं, भृंगराज वगैरह वाले, प्रॉपर वाले, ठीक है, बट वो बहुत ज़्यादा ड्राइंग होते हैं. और अगर आप लॉरियल और श्वार्ज़कॉर्फ के केमिकल्स वाले यूज़ करते हैं वो आपकी स्कैल्प हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते. तो दिस इज़ समथिंग परफेक्ट, लाइक आपको दो अलग अलग शैम्पूज नहीं यूज़ करने पड़ेंगे, जैसा कि मैंने अपनी हेयर केयर वीडियो में बताया था कि स्कैल्प के लिए अलग और हेयर शाफ्ट के लिए अलग. ये बहुत अच्छा है, DHT ब्लॉकर है, जो टेस्टोस्टेरोन होता है जिसकी वजह से हेयर लॉस होता है वो है इसके अंदर. तो वो बॉडी में जो करता है करे, चलो बाकी एटलीस्ट हमारे जो सिर का एरिया वहां से कम हो जाए. तो ये उसके लिए शैम्पू है, बहुत अच्छे से फोम करता है, बहुत लादर करता है, बहुत सॉफ्ट बनाता है बालों को. फुल ऑन रिव्यू मिल जाएगा आपको इनके ऊपर. एंड फिर है मेरे पास यहाँ पर वाओ का ही मिराकल हेयर ऑयल और हेयर रिवाइटलाइजर. यही जो मेकअप लुक और जो मैं ये रेडी होकर के बैठी हूँ 10 मिनट गेट रेडी में, उसमें मैंने ये वाओ का हेयर देख लीजिए, मेरे पास दो हैं, हाँ मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, हेयर रिवाइटलाइजर जो है वो मैंने यूज़ किया था. तो उससे बाल बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, सिरम की तरह से काम करता है, अच्छे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है इसमें एंड मेरे बाल इससे सॉफ्ट लग ही रहे हैं. और इसका हेयर ऑयल बहुत अच्छा है, आर्गन ऑयल, आमंड ऑयल, सारे अच्छे अच्छे ऑयल्स का ब्लेंड है एक अच्छा सा. और इस ये हो गया है वाओ का काम. अब है हमारे पास यहाँ पर पर्पल का बॉक्स. तो पर्पल के बॉक्स को मुझे खोलना पड़ेगा, आई हैव टू अनबॉक्स इट कम्प्लीटली इन फ्रंट ऑफ यू. एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता है इसके अंदर क्या क्या है, लाइक आई हैव आइडिया ऑब्वियसली बिकॉज मैंने ही तो मंगवाया है, बट देन एग्जैक्ट क्या क्या है वो देखना पड़ेगा ना. बाय द वे, अभी तक वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना है आपको और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना है अगर आप ऐसी और वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो. और यहाँ पर पर्पल का बॉक्स जो है वो खुल रहा है. पर्पल बॉक्स के ऊपर टेप लगा होता है पर्पल वालों का, जिसको कि काटना होता है आपको. और इसके बाद बहुत सारे बबल रैप्स लगे हुए हैं, बबल रैप्स भी हमें खोलने पड़ेंगे यहाँ पर. और यहाँ मुझे बहुत सारी लिपस्टिक्स दिखाई दे रही हैं, आई थिंक NYB की लिपस्टिक्स हैं यहाँ पर, जिसका कि रिव्यू आप लोग मुझसे मांग रहे थे. बहुत सारे सब्सक्राइबर्स का मैंने पढ़ा था कमेंट, जो अफोर्डेबल मेकअप इंडिया पर मुझे ऑर्डर्स आते हैं उसमें भी मैंने सुना हुआ है बहुत कि NYB के लिपस्टिक्स पर वीडियो बनाई जाए. तो अब मैं बना सकती हूँ आपके लिए वीडियो, आपको सारे के सारे स्वॉचेस वगैरह सब कुछ मैं दिखा सकती हूँ. आई हैव दीज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का क्या हिसाब बना. ओके कोई नहीं, 9 है यहाँ पर हमारे पास. ये इज इट एक्चुअली अ लिपस्टिक, एक मैं खोल करके देख लूँ, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ और ना हो. एक सेकेंड हम देखते हैं इसको. अब बताए मुझे क्या लग रहा है, नीचे जो टेप्स लगी हुई है ना इन पे, जैसे जहाँ पर लिपस्टिक का नेम एंड ऑल लिखा होता है वहाँ पर मुझे देख करके ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ कंसीलर शेड्स या कुछ कॉन्टोर शेड्स हैं, एंड आई थिंक मुझे सही लग रहा था. सो हियर वी हैव दिस. ओके दिस इज़ अ कॉन्टोर शेड. तो मैंने देखा है, सुना बहुत है NYB के कॉन्टोर शेड, कंसीलर शेड्स आई थिंक बहुत अफोर्डेबल होते हैं. सो आई हैव ऑल द शेड्स नाउ, तो मैं आपको बहुत सारे शेड्स दिखा सकती हूँ हर स्किन टोन के लिए. तो आई एम श्योर आपके लिए ये वाली वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है. आई एम क्वाइट एक्साइटेड फॉर दिस प्रोडक्ट, मुझे इसका आइडिया नहीं था. आई वॉज एक्सपेक्टिंग लिपस्टिक्स ऑफ NYB बिकॉज़ ऐसी कुछ मुझे बात याद आ रही है जब मैंने डिस्कशन करी थी PR पैकेज वाली बंदी के साथ. एनीवेज यहाँ पर है मेरे पास गुड वाइब्स का एक्टिवेटेड चारकोल डीप क्लेंजिंग फेस मास्क. चारकोल क्या करते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वाला चक्कर होता है, मैं एग्जैक्ट तो भूल गई हूँ, बट जो भी है अपोजिट चार्जेस वाला कुछ होता है उसको खींचता है, क्या है एग्जैक्ट साइंस में भूल गया, सॉरी माफ़ करना. अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं 25 साल की हो गई हूँ, अभी तक मैं साइंस वाइंस में नहीं पढ़ी रह सकती. एनीवेज चारकोल बहुत अच्छे से डर्ट को ऐसे खींच के निकालता है, ब्लैक हेड्स को खींच करके निकालता है, आपके पोर्स को बहुत अच्छे से क्लीन करता है. तो यहाँ पर है मेरे पास एक एक्टिवेटेड चारकोल फेस मास्क, लाइक इट इज़ नॉट दैट पील ऑफ चारकोल फेस पैक, कई लोगों को उससे थोड़ा सा पेन हो सकता है बट इससे बिल्कुल पेन नहीं होता, इससे एक जनरल डीप क्लेंजिंग के लिए होता है. एंड इसका प्राइस है 225 रुपीज़, सो इट इज़ क्वाइट अफोर्डेबल ना 225 रुपीज़ में. एंड इस वाले के ऊपर लिखा था प्राइस, इसके NYB वाले के ऊपर भी होगा ना प्राइस, तो
NYBA वाले के ऊपर लिखा है कि ये मुंबई में बना हुआ है एंड ये कुछ ग्रीन कलर का दिख रहा है, सो आई थिंक इट इज़ अ ग्रीन कैरेक्टर एंड प्राइस नहीं दिख रहा है मुझे, प्राइस नहीं दिख रहा। अगर अच्छा अगर तो प्राइस तो मैं इसका ना आपका वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो हियर वी हैव ग्रीन कैरेक्टर, सो जिसको खाली ग्रीन कैरेक्टर चाहिए, पिंपल्स का प्रॉब्लम है, उसको ग्रीन कैरेक्टर मिल जाएगा। क्वाइट इंटरेस्टिंग स्टफ, हाँ आई एम इम्प्रेस्ड अभी तक। देन आई हैव समथिंग ब्यूटिफुल, हियर वी हैव मैट लिक्विड लिपस्टिक, ट्यूलिप ट्रायम्फ, highly pigmented, long lasting, transfer proof matte liquid lipstick with tulip festivities, mere grooming festivities. कुछ कट गया है, बाकी का कुछ टेप लगा हुआ है वहाँ। Bing cross by, so this shade is Bing cross by and this is for 199 rupees only, like it is quite affordable, सिर्फ 199 rupees की है ये। इस पर I am Amsterdam लिखा हुआ है and this is how it looks like, पिगमेंटेड। बाकी तो लिप्स पर ट्राई करेंगे, स्मेल इज फाइन और 200 रुपए की लिक्विड लिपस्टिक है। पूरा ब्यूटी जैसे इसका पैकेजिंग है, ये वाला शेड है कौन सा, IMDLL, अभी मैंने बोला था ना वही वाला होगा। एनीवेज यहाँ पर मेरे पास इसी सेम कंपनी की टोटल 6 लिपस्टिक्स हैं, सो आई हैव 5 मोर शेड्स एज वेल। यहाँ पर एक शेड है मेरे पास रेड, वो वाला जो था वो ब्रिक रेड था। देन हियर वी हैव मॉव से कलर का शेड है, लाइक दिस सीम्स टू बी अ ब्यूटिफुल वन जो रोज़ाना में लड़कियाँ जनरली यूज़ करती हैं। लेट मी जस्ट ट्राई इट आउट, सो येस इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल कलर, सिमिलर टू वॉट आई एम वियरिंग ऑन माई लिप्स बट उसका डार्कर वर्जन। तो जो मेरे लिप्स पर न्यूड मॉव लिपस्टिक है फेयर स्किन टोन के लिए, वही ये डार्कर स्किन टोन के लिए न्यूड मॉव लिपस्टिक का काम करेगी। एंड दिस वन इज़ इन द शेड अर्ली ग्लोरी 8। एनीवेज हम अगली भी शेड्स देख लेते हैं, सालमन ज्यूल, ये भी मॉव सा शेड है, सीम्स टू बी अ नाइस पर्पली मॉविश कलर। एंड इसके बाद है हमारे पास यहाँ पर एनी शिल्डर शेड नंबर 9, इट इज़ अ नाइस न्यूड कलर, शेड नंबर 9 है ये, वेरी ब्यूटिफुल कलर, थोड़ा सिमिलर है पहले वाले से बट थोड़ा सा पीची पिंकी सा है, सीम्स टू बी अ नाइस कलर, डस्की स्किन टोन्स के लिए बहुत अच्छे न्यूड्स हैं एंड सभी स्किन टोन्स पे चलने वाले कलर्स हैं, तो नाइस शेड्स। इसके बाद नेक्स्ट मेरे पास है कुछ यहाँ पर, I have something over here. ये भी है lipsticks. Here I have some NY के lip crayons हैं यहाँ पर, ये मुझे red color दिख रहे थे ना, ये तो बहुत प्यारा सा पिंक कलर है। देन आई हैव ब्राउन कलर एंड देन आई हैव मॉवी ब्राउनी कलर एंड देन आई हैव वन मोर रेडिश काइंड ऑफ शेड, देन अगेन देर इज़ दिस मरूनिश काइंड ऑफ शेड। सो हमारे पास काफ़ी सारी लिपस्टिक्स हो गई हैं अलग अलग तरह तरह की, और ये हैं NY के मैट क्रेयॉन्स। और इसके बाद मेरे पास जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है प्रोडक्ट स्टेक वर्की का है ये बैड एस काजल। सो That's it for this video. I hope you guys like it. जो वीडियो अच्छी लगी हो then please इसको like करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आपको इन में से किसी भी प्रोडक्ट्स पर वीडियो देखने में इंटरेस्ट है then मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप कौन से प्रोडक्ट पर मेरा ऑनेस्ट रिव्यू देखना चाहते हैं, और लिप स्वॉचेज अगर आप किसी लिपस्टिक पर देखना चाहते हैं then definitely let me know in the comments down below. I will see you guys in my next video. Till then take care, look gorgeous, live healthy.